हार्ड। मैं राजनाथ पाठक यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताना ये चाहेंगे कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सेलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको सच्ची सलाह देते हैं कि आप मेरे YouTube पर पाठक इंग्लिश बाय पाठक या आप केवल पाठक आप डाल लीजिए, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा। और हम इतना आपको बताना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कठिन है हवा बनाए, कुछ नहीं कठिन है। हम 35 साल से कानपुर में एक अध्यापक के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवक का कहना मानो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि जो हमने पॉइंट आपके सामने रखा है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो है यह पॉइंट समझ में आएगा। निश्चित है कि आप अपने जीवन, अपने सब, और कोई भी इसके लिए फीस वगैरह नहीं है, यानी कोई भी पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है। YouTube पर आप चले जाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, एरर्स, जो भी आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा बेटा, ठीक है। आपको बताएं बेटा, पाठक ने अंग्रेजी को मैथ बना दिया है। प्रशंसा सेल्फ प्रेज इन और रिकमेंडेशन, मैं अपने में यहां मिठू नहीं बना, यानी जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पठकवा ने तो अंग्रेजी को मैथ बना दिया था। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैथमेटिक की तरह हमने उसको सिद्ध किया है, समझाया। और जैसे कि कहा नियम है, हम पढ़ते हैं तो गुरु जी हमारे कहते हैं कि नियम है, तो नियम किसी इंसान ने बनाया ना, तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग, उसके दिमाग तक हमारा दिमाग ले चलो, यह पढ़ाना होता है। यानी पढ़ने का मतलब यह नहीं है किसी ने नियम निकाल दिया उसको आप रट लो। जिस दिमाग ने वह नियम निकाला है बहुत इंसान था, उसके लेवल तक हमारा दिमाग ले चलते हो, दिस इज टीचिंग, यह पढ़ाना होता है। तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा। आप टेंस से लेकर के एरर्स तक देखें तो 4 पॉइंट पर पूरी अंग्रेजी ग्रामर सेट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डिग्री, चाहे जो भी चैप्टर आप खोल लें, केवल 4 पॉइंट हैं। और उस 4 पॉइंट पर मैथमेटिक की तरह पाठक ने सेट किया है, रिमूव टू सब कुछ जितना भी आपका रम है। एरर्स में हमने पढ़ाया आर्टिकल्स लेकर के कंजंक्शन तक, एक एक पॉइंट क्लियर किया। और आप उसको पढ़ें तो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में घर करेगा। यह कंपटीशन की ही बात नहीं करें, पूरे जीवन भर के लिए आपको काम आएगा। जैसे लोग कहते हैं प्रीपोजिशन कठिन है, अरे भाई कठिन क्या है, कठिन कुछ नहीं, उसको समझाने का तरीका होना चाहिए। और विद्यार्थी को जब समझ आ जाएगा तो वह उसके जीवन भर के लिए पक्का होगा। ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन के पास करने के बाद अधिकारी बन गए तो आपको अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ेगी ना। तो इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि पाठक ने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं वह एक एक पॉइंट करके क्लियर किए गए हैं, आप उनको पढ़िए, समझिए। और एक रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अगर पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आप उसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, यह हमें विश्वास है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप अपने साथी के, सेवक के कथन को जो है फॉलो करिए, निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।